गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे सर्दियां जा रही हैं और गर्मियों के मौसम में हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि अपने चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गर्मियों में बिल्कुल मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। जिनकी स्किन ड्राई होती है वो तो थोड़ा बहुत कभी लगा भी लेते हैं, पर जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहते हैं मॉइस्चराइज़र। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है स्किन केयर में। मॉइस्चराइज़र हमें कोई भी मौसम हो, कोई भी सीज़न हो, हमें लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर धीरे धीरे इंटरनल जो नमी होती है धीरे धीरे खो जाती है और हमारे चेहरे पर फाइन लाइन्स, दाग धब्बों की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर स्किन हमारी डिहाइड्रेट रहती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर सीजन जा रहा है और हमारा समर सीजन अब आ रहा है, धीरे धीरे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी और कहीं कहीं पर तो गर्मियाँ एकदम से स्टार्ट ही हो गई हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ रहते हैं मुंबई में तो बहुत ज़्यादा अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो और बाकी जैसे कि जहाँ पर ठंडियों का सीज़न था वहाँ तो स्टार्ट हो रही है अभी, लेकिन फ्रेंड्स कहीं कहीं पर गर्मियाँ अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसको देखते हुए मैं आज आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गर्मियों में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं, तो लगाना बेहद ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारे स्किन के अंदर की जो नमी होती है धीरे धीरे खो जाती है। स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं विटामिन ई कैप्सूल से आपको फेसियल मसाज बताने वाली हूँ। मात्र 2 बूंद आप नाइट में लगा कर सो जाइएगा, आपको दिन में मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से विटामिन ई की कैप्सूल को अपने फेस पर लगाते हो तो आपको पूरे दिन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी गर्मी के सीज़न में पसीने इतने आते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगा के टहलें, तो स्किन वैसे ही चिपचिपी सी लगती है पसीने के कारण। तो हमें दिन में कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नाइट में सोने से पहले आप 2 बूंद विटामिन ई कैप्सूल में आप इन चीज़ों को मिक्स कर लगाते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये विटामिन ई की कैप्सूल और मैं यहाँ पर सारी कैप्सूल यूज़ कर ली हूँ। और कभी कभी मैं डेली तो नहीं लगाती पर वीक में एक बार ज़रूर इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ। बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव होता है ये विटामिन ई की कैप्सूल और ये जो है आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, ये विटामिन ई की कैप्सूल का ऑयल आपको लेना है। तो इसको आप किसी भी तरीके से इसमें होल कर दीजिए और ये जो विटामिन ई कैप्सूल है, वैसे भी विटामिन ई कैप्सूल है तो इसमें विटामिन ई तो पाया ही जाएगा फ्रेंड्स, और साथ में इसमें पाया जाता है ओमेगा 3, और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है डीपली, दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। तो आपको इस ऑयल को ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2 बूंद लेना है। गर्मियों के सीज़न में इतना ही काफ़ी रहेगा 2 बूंद। अब इसमें आपको क्या और मिक्स करना है, तो फ्रेंड्स ये है बादाम रोगन ऑयल जो कि प्योर आलमंड ऑयल है और ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारे फेस के लिए। स्किन पर अगर दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, कैसे भी दाग धब्बे हैं, आपको जल्दी में ही झाइयाँ स्टार्ट हुई है, तो आप इसे अगर इसे स्टार्ट कर दोगे रेगुलर लगाना तो फ्रेंड्स आपके चेहरे एकदम क्लीन हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप आलमंड ऑयल अपने फेस पर लगा सकते हो। इसको लगाने से आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगा और स्किन पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहेगा, आपकी स्किन का पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो आपको इसमें 2 ड्रॉप ही आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ये भी 2 ड्रॉप ही लेना है, बस इतना ही, बस दोनों मिला के सिर्फ 4 ड्रॉप हुआ है जो कि मैंने हथेलियों पर ले लिया है। और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिंगर की टिप्स फिंगर से आपको इस तरीके से लगा लेना है। और इससे आपके आईज़ के पास डार्क सर्कल है या स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप इससे मसाज करोगे तो आपके चेहरे का डार्क सर्कल भी दूर हो जाएगा, चेहरे पर कसाव आएगा। नाइट में अगर आप इसे लगा कर सोते हो तो सुबह आप देखोगे आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, आपकी स्किन पर नमी रहेगी, एक नेचुरल नमी रहेगी, आपको दिन भर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ में आपकी स्किन पर बहुत ही प्यारा सा ग्लो देखने को मिलेगा। और ये जो आलमंड ऑयल है, अगर आप इसे अपने फेस पर लगाना स्टार्ट करते हो तो आपकी स्किन फेयर भी दिखेगी। आपको महंगी सी महंगी क्रीम आप इसे छोड़ दोगे अगर आप इसे लगाना स्टार्ट करोगे, इसके आगे सारी क्रीम फेल है। फिर आपको दोनों हथेलियों में लगाकर फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको पूरे फेस पर मसाज करना है। आईज़ के पास जाके अगर आपको डार्क सर्कल है तब भी कीजिएगा, नहीं है फिर भी कीजिएगा,
क्योंकि आप आइस के पास इस तरह से नाइट में मसाज करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। और उसके बाद आप नोज पर कीजिएगा मसाज, फोरहेड पर कीजिएगा। जितने भी मसाज आप जी चेहरे के जितने भी एरिया में आप करोगे, कम से कम 5 बार आप इस तरीके से कोई भी स्टेप करते हो तो 5 बार कम से कम कीजिएगा। और पूरे मसाज करने के लिए आपको 5 से 7 मिनट देना है, और 5 से 7 मिनट बाद आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे इतना अच्छा फ़र्क आपको दिखेगा। अगर आपने 1 वीक इस तरीके से कर लिया तो आपकी स्किन में इतना अच्छा कसाव आ जाएगा, आपकी स्किन बेहद टाइट दिखेगी, आप अपनी उम्र से कम 10 साल छोटे दिखने लगोगे अगर आप नाइट में इस स्किन केयर रूटीन को अपन शामिल करते हो। मसाज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फेस के लिए, इससे हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होते हैं, चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं होंगे, अगर हो है तो भी आपके धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे, और नहीं है तो आपको कभी भी पिगमेंटेशन की समस्या नहीं होगी। इस तरीके से जितने भी स्टेप मैं कर रही हूँ सब स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, और 5-5 बार कम से कम मसाज कीजिएगा। और इस तरीके से आप जब मसाज कर लोगे ना तो आप देखोगे आपके चेहरे पर ग्लो जैसा दिखेगा, क्योंकि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो दिखता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई कैप्सूल और ये बादाम रोगन ऑयल का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये रेमेडी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।